वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई आओ, तुमने तो बड़ी दिलेरी का काम किया है। पहले फायजा को अपनी मोहब्बत के सुहाने ख्वाब दिखाकर उसे उसके घर से निकाला, फिर अपने घर में भी बसा नहीं सके। फिर बड़ी मर्दानगी दिखाई है तुमने, तो बड़ा नाम रोशन किया हमारा। पापा, बेवफाई मैंने नहीं, बेवफाई फायजा ने की थी। अच्छा, क्या उसकी बेवफाई तुमने अपनी आंखों से देखी थी? नहीं, लेकिन मुझे पता है कि फायजा बेवफा थी। बस करो नुमान, अगर तुम अपनी माँ का चश्मा लगाकर फायदा को देखोगे तो वो तुम्हें बेवफा नजर आएगी। मेरा दिल ये तस्लीम नहीं करता कि फायदा बुरी लड़की होगी। मैंने उसकी आंखों में खानदानी शराफत देखी है। पापा, आप भी मेरी तरह उसके मासूम चेहरे से धोखा खा गए थे। नौमान, तुम क्या धोखा खाओगे? और तुमने तो रिश्तों को खेल समझा है। पहले फायदा की दीवानगी में तुमने माँ बाप से अपनी शादी की खुशी छीन ली, और जब मुझे लगा कि तुम सुधर गए हो तो तुमने इतनी गिरीवी हरकत की कि एक मासूम बच्चे से उसकी माँ को अलग कर दिया। और जाहिर, मुझे तुम जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की से ये उम्मीद नहीं थी। तुमने ये हरकत करके मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, और बल्कि भाईजान की रूह को भी तकलीफ पहुंचाई है। चाचू, दुख तो मुझे भी इस बात का है कि आप मुझे इस घर में बहू के रूप में देखकर खुश नहीं है। अगर तुम फायदा से पहले मेरी बहू बनती तो मुझे वाकई बड़ी खुशी होती, लेकिन तुम एक बेगुनाह लड़की को बेघर करके मेरी बहू बनी हो। इस सूरत में मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि तुम्हें इसका खमियाजा ना भुगतना पड़े, और कम से कम नौमान तुम्हारे साथ वफा निभाए। चाची, देखा आपने, देखा कैसे चाचू एक बाहर की लड़की को अपनी सगी भतीजी पे फोकियत दे रहे हैं? मुझे चाचू से इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अरे बेटा, तुम छोड़ो इनकी बातों को, ये तो राह चलते लोगों के पीछे जज्बाती हो जाते हैं। पहले वो जैन था और अब फायजा,